हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी गार्डनिंग अच्छी चल रही होगी। तो ये है मेरा, एक्चुअली ये मोमटी है, छत के पास वाला एरिया है। तो यहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं जो कि मैंने नए लिए थे, वो भी रखे हैं। और मैंने एरिका पाम को अपने यहाँ पर रख दिया है। एक्चुअली मैंने नहीं रखा है, अम्मी ने रखवा दिया है, क्योंकि मुझे इसे बाद में रखना था। और उसके अलावा हमारी छत पर थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है, थोड़ी बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। छत पे जितना भी ब्लेंडर था ना, वो हमने हटा दिया है। थोड़ा बहुत जो रह गया उसको भी अब साफ़ करना है। तो ये मेरा ना मेहंदी का पेड़ था जो कि पूरी तरह से सूख गया है, इसमें नई ग्रोथ नहीं हो रही है। बाकी सभी प्लांट जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये वाला प्लांट जो है ना वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। और मेरा अमरूद का पेड़ जो था वो पूरी तरह से सूख गया है। और यहाँ पे ये चाल है हमारा, यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है, उसको भी अभी करेंगे। तो ये मेरे कुछ प्लांट्स हैं जिनको मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी, क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है बिल्कुल ही रुक गई थी। तो ये सारे जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये है जैस्मिन के प्लांट, जैस्मिन मोगरा। उसके अलावा ये है मेरा बोगनविलिया जो है ना मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। उसके अलावा और भी प्लांट्स आपको दिखाती हूँ जो कि किस कंडीशन में है। ये है खजूर का पेड़ जो कि बीज से उगाया हुआ था, जब इस वक्त उनकी कटिंग मैंने लगाई है। और इधर मेरा जो मधुमालती का पेड़ था ना, वो भी काफ़ी हद तक सूख गया, लेकिन उसमें नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई। और ये कनेर है जिसे बहुत ही अच्छे से प्रून कर दिया है, हार्ड प्रूनिंग कर दी है इसकी भी, तो ये अम्मी ने की थी। और ये है मेरा मधुमालती, तो ये भी ग्रो कर देगा। और ये है रात की रानी, रात की रानी जो है हमने रिसेंटली अभी लिया था 1-2 महीने पहले, लेकिन इसे सर्दियों में ले लिया था। तो अब ये ग्रो करेगा। और ये एक और मधुकामिनी ही है आई थिंक। और ये देखिए बिल्ली और उसके दो बच्चे। तो मेरी प्रॉब्लम ना इसीलिए कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये जो है ना, इसका नाम छुटकी है और इसके ये दो बच्चे हैं। तो इससे पहले जो बिल्ली बच्चे दे रही थी और जिसके बच्चे थे ना, वो थी इस छुटकी की बेटी और उसके बच्चे थे वो। तो खैर ये जनरेशन कभी ख़त्म नहीं होगी। तो जब तक, जिस दिन मैंने बाकी के दो बच्चों को छुड़वाया है ना, उसी दिन ये अपने बच्चे लेकर के यहाँ आ गई। तो खैर अभी ये बच्चे छोटे हैं तो पौधों को नुकसान नहीं करेंगे। और इधर हमारे रखे हुए गुलाब के पौधे और कुछ नए प्लांट जो हमने लगाए थे। और मैं शाम को जैसे ही पेंट करने के लिए पहुँची ना, 10 मिनट बाद ही मेरी बेटी भी आ गई कि मम्मा नूल पेंट करेगी। और वो पेंट करने के लिए मांग ही रही थी कि मैं नूल पेंट करूँगी। तो बड़ी मुश्किल से उसको हटा करके, और मैंने थोड़ा बहुत पेंट किया है। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मेरा काम जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। और मैं आपको अपडेट भी देती रहूँगी कि कितना मेरा काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो आज तो मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं किया सिवाय पानी डालने के, पौधों में पानी डाला, क्योंकि कल मैंने खाद डाली थी और उसके बाद मैंने पानी कल नहीं डाला था, पानी मैंने आज डाला है। मेरी ये छत का ना रिनोवेशन जो है वो कितना टाइम लगाएगा ये मुझे भी नहीं पता है। और ये मेरे पास ना एक पटरा पड़ा हुआ था जिसे मैंने पेंट कर दिया है ताकि ये मैं इस्तेमाल कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तो मेरी जो छत की रिनोवेशन है वो चलती रहेगी ऐसे ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।